सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। जब आपको बेल आइकन कुछ इस तरह दिखे तब आपको मेरे सारे वीडियोस की अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले तो आप सभी को नए साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने आपके फैमिली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा से धूमधाम से इस नए साल को स्वागत किए होंगे। फिर से मेरा यही दुआ है कि इस नए साल के हर दिन आपकी ज़िंदगी में शुभ और स्वस्थ हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इतना ही आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज नए साल में हमने हमारा जो रिकॉर्ड लेवल जो है, जो हमारा जो म्यूजिक चैनल है KMJ म्यूजिक सीरीज, वहां से हम अपना ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो रिलीज किए हैं। कहता हूँ कि आप कुछ लोग देख चुके हो और जो लोग नहीं देखे हो, नहीं सुने हो, प्लीज़ जाके मेरे जो म्यूजिक चैनल है KMJ म्यूजिक सीरीज, प्लीज़ जाके सुनिए। ठीक है, हमने बहुत मेहनत किया इसके पीछे और एक नए आर्टिस्ट को हम लॉन्च किए हैं। ठीक है, क्योंकि उसका मुझे बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है वो। मुझे उसका वॉइस टेक्चर्स डिफरेंट लगा सबसे, और एक चीज़ की मतलब उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसका जो लिरिक्स है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। और हमने बहुत अच्छे तरीके से गिटार का अरेंजमेंट किए हैं, आप गिटार भी सुनेंगे उसमें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे म्यूजिक चैनल KMJ म्यूजिक सीरीज वहाँ पे जाएंगे और नया गाना जो है सुनेंगे। अब कई दोस्तों ने मुझे ईमेल किए हैं कि सर आप गाने का लेसन क्यों नहीं बना रहे हैं। दोस्तों, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मैं पहले जो है गिटार सिखाना चाहता हूँ आपको, उसके बाद मैं गाना सिखाऊंगा। क्योंकि अगर गिटार सीख जाओगे आप, गाना सीखने में बहुत आसान होगा और समझने में, म्यूजिक समझने में बहुत आसान होगा। तो मुझे लगता है कि जो गिटार सीखना पहले ज़रूरी है, उसके बाद हम गाना सीखेंगे। लेकिन अभी जो है कि मैं ये सोचा हूँ कि एटलीस्ट एक गिटार लेसन या दो गिटार लेसन एक गाना या दो गाना एक गिटार लेसन, ऐसा करके कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेसन ही चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी, और आने वाली मतलब जितने भी लेसन्स होगा ऐसे ही होगा। एक गाने का लेसन्स, एक दो गिटार लेसन्स, ऐसा करके कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा। तो ये आप सभी के लिए, जो लोग गाना सीखने आते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो लोग गिटार सीखने आते हैं उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले गिटार सीखो, उसके बाद गाना सीखो। और गिटार जो सीखो पहले सिक्वेंशियली सीखो, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, ऐसे करके सीखिए, तो आपको समझ में आएगा और आपको जो म्यूजिक जो है वो समझ में आएगा तभी जब आप सिक्वेंशियली सीखेंगे। और एक एक लेसन के साथ दूसरे लेसन का बहुत रिलेशन है, इसलिए सिक्वेंशियली सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी चलते हैं दोस्तों मॉड्यूल 3 के बारे में बात करते हैं। मॉड्यूल 3 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, मॉड्यूल 3 में हम ये सीखने वाले हैं कि अभी तक हमने फिंगर एक्सरसाइजेस मॉड्यूल 1 बिगिनर लेवल में वो सीख चुके हैं। उसके बाद मॉड्यूल 2 में, बिगिनर लेवल का मॉड्यूल 2 में मैंने ये सिखा हूँ कि जो बेसिक म्यूजिक थ्योरी है, उसके बाद स्केल कंस्ट्रक्शन थ्योरी और मेजर स्केल्स कैसे बजाते हैं, कैसे बनता है, माइनर स्केल कैसे बनता है, कैसे बजाते हैं, ये सारी चीज़ मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, अभी मॉड्यूल 3 में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कॉर्ड्स, जो कि बहुत सारे मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, बहुत सारे जो गिटार लर्नर हैं वो मुझे बहुत मेल कर चुके हैं कि आप प्लीज़ कॉर्ड्स का लेसन बताइए, कॉर्ड्स का लेसन बताइए। मैं समझ सकता हूँ कि आपको कॉर्ड्स का लेसन चाहिए गाना बजाने के लिए बहुत पहले, और वो सबसे ईजी होता है। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाया पहले कॉर्ड्स का लेसन, स्केल का लेसन इसलिए बोला क्योंकि स्केल से ही कॉर्ड्स बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले जो स्टेप बाई स्टेप जो है, जो ज़रूरी है वो मैंने सिखाया है, उसके बाद जो आना चाहिए मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो अभी पूरा जो मॉड्यूल 3 होगा बिगिनर लेवल का, इसमें हमारा पूरा जो कॉर्ड्स कैसे बनता है वहाँ से लेकर हम बताएंगे आपको कि मेजर स्केल्स, ओपन मेजर स्केल्स, ओपन माइनर स्केल्स, कॉर्ड शिफ्टिंग, कॉर्ड स्विचिंग कैसे जल्दी किया जाए। इसके ऊपर तो बहुत मतलब हजारों मतलब रिक्वेस्ट आए हैं कि कॉर्ड स्विचिंग कैसे जल्दी करें, कॉर्ड शिफ्ट एक कॉर्ड से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, कैसे हम मतलब शिफ्ट करें जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये सारे जो लेसन्स इसी मॉड्यूल 3 में आएंगे, स्ट्रमिंग पैटर्न आएंगे बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद हम मॉड्यूल 3 के साथ हमारा बिगिनर लेवल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम सीखेंगे इंटरमीडिएट लेवल। तो इंटरमीडिएट लेवल का जो सिलेबस है वो मैं बना चुका हूँ, लेकिन मैं मॉड्यूल 3 कंप्लीट करने के बाद ही मैं वो आपको बताऊँगा क्या क्या मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और जितना हो सके अगर आपको कोई बोल रहे हैं कि गिटार सीखना है तो आप मेरे चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, और उनको भी जितना हो सके शेयर कीजिए और जितना हो सके मुझे ग्रो करने में मदद कीजिए। और मेरा जो म्यूजिक चैनल है प्लीज़ आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं यार, वहाँ पे हम हर वीक में एक एक गाना रिलीज करते हैं, वहाँ पे आप गाना सुनेंगे तो आपको
एक आइडिया आएगा हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही रिक्वेस्ट है कि मेरा म्यूजिक चैनल को आप जितना हो सके, मतलब जितने गाने हम वहाँ पे बनाए हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए सबके साथ और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को। ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको पता चल गया कि मॉड्यूल 3 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है, और गाने का लेसन्स भी आने वाले हैं। तो विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट गिटार लेसन।